हाँ जी, आपका क्वेश्चन ये था कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब ही होती रहती है। अब इसका आंसर ये है कि जिस तरह से हमने बाकी मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े हैं और उनको रेगुलेट किया जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन को भी बिल्कुल ऐसे ही रेगुलेट किया जाता है। वैसे तो हमारे जिस तरह आप कहते हैं कि ब्रेन जो है वो रिलाई करता है ग्लूकोज पे, या आपने किडनीज की बात की थी कि किडनी कॉर्टेक्स जो है वो ग्लूकोज पे रिलाई करता है, तो इस तरह कुछ हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज पे रिलाई करते हैं, तो इसी तरह कुछ सेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं फैटी एसिड्स पे एनर्जी जनरेशन के लिए। और वहाँ पे अगर आपने एटीपी यूज, जैसे मसल सेल्स हैं या लिवर सेल्स हैं या आपके हार्ट टिश्यूज हैं, ठीक है, ये रिलाई करते हैं फैटी एसिड्स पे और ये एनर्जी फैटी एसिड से ही ऑब्टेन करते हैं। तभी हम कहते हैं कि हमारे जो मसल सेल्स हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा होते हैं। किस वजह से ज्यादा होते हैं? फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, ठीक है, और एनर्जी जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपको जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस मिलते हैं एनएडीएच2 और एफएडीएच2, उनको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में डाल के वहां से आप एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्वेशन हो, आप फास्टिंग कंडीशन में हो, तो फिर आपका जो ब्रेन है उसको भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या जो सेल्स भी ग्लूकोज पे रिलाई कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से ही पूरी की जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये सेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत सारे सेल्स इस पे रिलाई भी करते हैं, इस तरह लिवर और उसके अलावा मसल सेल्स हैं या हार्ट टिश्यूज हैं वो इन पे रिलाई करते हैं, और जो इन पे रिलाई नहीं भी करते, जब ग्लूकोज की कमी होगी तो वो इन्हीं पे, इसी फैटी एसिड पे ही रिलाई करेंगे और इसी के मेटाबॉलिज्म से एनर्जी जनरेट करेंगे। अब इसकी जो रेगुलेशन है, एक तो ये हमने जिस तरह जब हम वो पढ़ रहे थे फैटी एसिड सिंथेसिस लिपोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे, वहां हमने देखा था कि मेलानाइल को ए जो है वो इनके साथ बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ और इसको कैटाबॉलिज्म को रोक देता है, यानी जब सिंथेसिस हो रही होती है तो तब कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। यानी कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के साथ हमने कहा था कि वो बाइंड कर जाता है आके मेलानाइल को ए, और उसके बाद फिर ये जो कार्निटिन शटल है इसको डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जो एसाइल को ए है वो मैट्रिक्स तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि तब ट्रांसपोर्ट होना है जब कार्निटिन अटैच होगी, ठीक है। तो इस तरह करके भी इसको रेगुलेट किया जाता है, ये जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, बीटा ऑक्सीडेशन आप कह लें, इसको रेगुलेट किया जाता है। उसके अलावा एलोस्टेरिकली भी इसको रेगुलेट किया जाता है, यानी जो एनएडीएच और एनएडीएच2 की जो रेशियो है, यानी आपकी बॉडी को एनएडीएच2 रिक्वायर्ड है ना, लेकिन अगर एनएडी पॉजिटिव सेल में ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि इनकी इनका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एनएडीएच सेल में पहले ही मौजूद है तो फिर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह एसिटाइल को ए और को एंजाइम ए, इन दोनों की रेशियो जो है ये भी रेगुलेट करती है इसको, बीटा ऑक्सीडेशन को, ठीक है। अगर सेल में एसिटाइल को ए जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, इसका मतलब है वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से ही आया है ना, तो अब मजीद फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इसको मुख्तलिफ तरीकों से रेगुलेट किया जाता है और हर वक्त नहीं हो रही होती सेल के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन। जैसे ही एनएडीएच और एनएडी पॉजिटिव या एसिटाइल कोए और कोएंजाइम ए की रेशियो जो है ये राइज करती हैं, तो तब ही जो ये जो है फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन ये इनहिबिट हो जाती है, तो इस तरह करके इसको रेगुलेट भी किया जाता है, ठीक है। तो समझ आ गई आपको इस कैटाबॉलिक प्रोसेस की कि बीटा ऑक्सीडेशन किस तरह हो रही है। यस हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, अभी है हमारे पास 5 मिनट, कुछ पूछना चाहें आप। मैम, प्रैक्टिकल की बात की थी आपसे, किसकी? प्रैक्टिकल्स की मैम। वो मैंने आपको बताया तो था कि आप सिर्फ वही कर लें। पीडीएफ जो आपने किए थे सेंड, जी बिल्कुल वही सिर्फ कर लें, जी मैम, लेकिन ठीक आपके है नोट्स मैम। हैं बाकी वाले भी हैं। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप करें, उसके बाद ही हम इसको